हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त दिन रहा कल का। बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 24,000 डॉलर, इनफैक्ट हम लोग 24,000 डॉलर्स के भी ऊपर गए थे थोड़े से वक्त के लिए। ओके, सो अगर तुम देखोगे तो 24,300 डॉलर्स हम लोगों ने मारा। ओके, और इसे कहते हैं सपोर्ट का रीटेस्ट। तो तुम देख सकते हो कैंडल भैया कहाँ से शुरू हुई है और कितना जबरदस्त मूव दिखाया है, राइट। अब यहाँ ना, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग अब क्या करेंगे, देखो जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ लॉन्ग ली थी भैया, वो सब यहाँ प्रॉफिट लेने वाले हैं। ओके, और जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो सब यहाँ पे एकदम ताबड़तोड़ अब शॉर्टिंग करने वाले हैं कि भैया बिटकॉइन यहाँ टॉप मार गया और यहाँ से जो है वो वापस नीचे गिरने वाला है और एक डबल बॉटम बनाने वाला है। ओके, लेकिन हमें क्या लगता है वो समझने से। ओके, तो देखो क्या हमें लगता है वो समझने से पहले पहले देखो यार, ये हफ्ते में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है। ओके, आज भी अगर तुम देखोगे, मैं इनफैक्ट अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाऊं, ये जो इतनी जबरदस्त कैंडल तुमने आज की डेट में देखी है, ये वाली, ये कैंडल क्यों आई है, क्योंकि ये वेडनेसडे को सीपीआई के नंबरदार है। सॉरी, मैंने कल के वीडियो में वो बोला कि शायद इस हफ्ते कुछ नहीं है, बट नहीं, ये हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट ये नंबर्स आ रहे हैं। अब ये सीपीआई के नंबर्स क्या है भैया, ये है इन्फ्लेशन के नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने 9.1 के नंबर्स लेके आए थे, अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे 8.7 आएगा, जो एक अच्छी न्यूज है। अगर 8.7 आता है तो भैया फेड रेट हाइक्स नहीं करेगा और जिसकी वजह से मार्केट क्रैश नहीं होगा। ओके, दूसरी तरफ अगर तुम देखते हो तो अभी जो सारे प्राइजेस थे, अभी ये गैसोलीन का प्राइस है या फिर वीट और इन सब का प्राइस है, फूड गुड्स का, वो सब जो है वो डिक्लाइन हो गए। ओके, तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो बता रहा है कि हाँ भैया, अब इन्फ्लेशन के रेट जो है वो कम होने वाले, क्योंकि दाम क्यों कम होंगे इन सब चीजों के, डिमांड कम होने की वजह से, और यही फेड करना चाहता था। अब इसी को लेके लोग जो है वो मार्केट में न्यूज के पहले पैसा डाल रहे थे। वो हमेशा ऐसा ही होगा, लोग क्या करते हैं, बाय द रूमर। उनको पता है कि नंबर जो है वो कम आएगा, तो चलो रूमर के पहले बाय करो, न्यूज के ऊपर सेल करो और प्रॉफिट्स ले लो। ओके, तो मुझे भी यही लगता है कि हम लोग आज भी हम लोग एक अच्छी रैली देखने वाले हैं, और वेडनेसडे को जो है वो भैया नंबर्स के पहले जो है मार्केट क्रैश हो जाएगा। ओके, अब होपफुली ऐसा होता है कि नहीं वो देखते, लेकिन अपने को जो है वो अगर ट्रेड लेना है तो भैया स्टॉप लॉस लगा के, और नहीं तो चुपचाप साइड में बैठो, देख लो मार्केट कैसा है और उसके बाद सेफ एंड साउंड ट्रेड ले लो। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बिटकॉइन में है, हमने 22,500 पे बाय किया था, उसके पहले हमारा 21,000 पे बाइंग था, वहां से हम लोग बहुत अच्छे गेम्स में है, और हम लोगों ने सिर्फ 25% पैसा डाला, तो तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट 7-8% हमारा जो है वो प्रॉफिट है। ओके, और मेरी यहाँ कोई इच्छा नहीं है ट्रेड में प्रॉफिट्स लेने की, क्योंकि मैंने सिर्फ 25% डाला है। अभी 75% और जो प्रॉफिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड से बनाए हैं वो सब साइड पे है। ओके, सो यहाँ कोई इच्छा नहीं है। इनफैक्ट मैं वेट करूंगा कि भैया बिटकॉइन यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे। ओके, अब ब्रेकआउट हमें कहाँ चाहिए वो समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ये बेयर फ्लैग बना रहे हैं, और जब तक हम लोग इस बेयर फ्लैग में है तब तक हम लोग बहुत बहुत बेयरिश है। ओके, तो हमें क्या करना है भैया, एक अच्छा खासा पुश ऊपर की तरफ देना है बिटकॉइन को, इसको सपोर्ट रीटेस्ट करना है और यार ऊपर की तरफ निकल जाना है, ताकि ये बेयर फ्लैग जो है इनवैलिडेट हो जाए। जब तक वो नहीं होता तब तक तुम्हें थोड़ा कॉशियस रहना है। ओके, अब ये तो देखो बात हुई टेक्निकल्स की। अब अगर तुम फंडामेंटली देखते हो, ओके, तो पहला तो मैंने तुम्हें बताया वेडनेसडे को ये चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। उसके अलावा एक नया फंड है, टॉर्नाडो कैश को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया है यूएस ने। ठीक है भैया, वो 100 चीजें ब्लैकलिस्ट करते हैं, लेकिन वीपीएन के थ्रू सब कुछ चलता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, बाकी अगर तुम बिटकॉइन के एक रियल फंडामेंटल देखो, देखो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 97% S&P 500 स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है सिर्फ बिटकॉइन से। ओके, और अभी तो बेयर मार्केट है मेरे भाई, जब बिटकॉइन रिवर्स करेगा, वापस एक अच्छा खासा प्राइस बनाएगा, मतलब 70-80 हजार डॉलर्स, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी तो भैया अलग लेवल पे ही हो जाने वाला है। ओके, और वो टाइम आएगा, क्यों आएगा, बिटकॉइन एक फ्री मनी है। ओके, और लोगों को आजादी ही पसंद है, चाहे वो लेट समझे चाहे जल्दी, लेकिन मेरे भाई एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को बिटकॉइन चाहिए। यूक्रेन को समझा, श्रीलंकन को समझा, चाइनीज को भी समझेगा,
इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि एक छोटा सा हिस्सा उसमें रहे और लोगों को समझ में आएगा और पैसा वो आने ही वाला है इसमें. ओके इसलिए तुम देख सकते हो भैया वर्ल्ड वाइड अभी जो है 40,000 बिटकॉइन के एटीएम्स लगा दिए गए हैं. तो ये और जबरदस्त न्यूज है. ओके उसके बाद अगर तुम देखते हो तो जो नोमैड के हैकर्स ने पैसा चोरी किया था उन लोगों ने एटलीस्ट 32 मिलियन डॉलर्स के टोकन जो है वो वापस कर दिए हैं. ओके 190 मिलियन डॉलर का हैक था तो अभी बहुत छोटा सा अमाउंट वापस किया है. देखो अभी चीजें कहाँ सेटल होती है. बट वही यार अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढो, मतलब उन प्रोजेक्ट्स में मत घुसो. अभी देखो जैसे सोलाना भी है, प्रोजेक्ट अच्छा है ठीक है, लेकिन हैक हो रहे हैं, नेटवर्क हर बार डाउन होता है, सो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए उसको देख ही नहीं रहे हैं. पैसा डालो बनाओ और बाहर, बात खत्म. इथेरियम बिटकॉइन ऐसे हैं जो बेस है भैया, उसके आगे ही दुनिया चलनी है. सो इसीलिए तुम्हें उन टोकन को लॉन्ग टर्म देखना है. ओके अब बिटकॉइन के बाद अगर इथेरियम की बात हुई ही है तो तुम देखो इथेरियम ने वापस 200 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप को सरपास कर लिया था. आज इथेरियम 1800 के ऊपर था. ओके और सिर्फ इथेरियम नहीं यार, ओवरऑल मार्केट देखोगे तो 2.5%, बिटकॉइन 3%, इथेरियम 4%. अभी तो चलो कम हुआ है, सुबह 1800 के ऊपर था. तो मेरे भाई बहुत जबरदस्त मूव. ओके उसके अलावा अगर तुम देखते हो तो विटालिक से, यार ये विटालिक ने दो चीजें बोली. ओके एक प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम के जाने के बाद इथेरियम क्लासिक का चांस है, दूसरा लेयर टू सोल्यूशन जो है वो जीके रोलअप्स ही रहने वाले हैं. तो भैया मैटिक ऑलरेडी जीके रोलअप पे है तो मेरे भैया उनका चांस बहुत बहुत स्ट्रांग है. ओके बाकी अगर तुम देखो तो ऑल्टकॉइंस ने अलग लेवल की रैली. आज ग्राफ 15%, फ्लो 12%, जी कैश 10%, एक्सएलएम 9%. सो बहुत जबरदस्त. ओके इसके अलावा बिलियनर्स पीछे नहीं हट रहे हैं. अब मतलब ये मजाक देखो कि डॉज कॉइन के जो है ज्यादा यूज केसेस है कार्डानो से. अब इस गधे को कोई जाके पूछे डॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है क्या? नहीं. डॉज डैप्स के लिए एनवायरनमेंट देता है क्या? नहीं. तो कहाँ से उसके यूज केसेस ज्यादा है? और ऐसे लोग ना हमेशा टॉप पे एंट्री लेते हैं और मेरे भैया बर्बाद हो जाते हैं. ओके कार्डानो बहुत जबरदस्त है, उसका कंपैरिजन किसी भी ऐसे टोकन से मुझे नहीं समझ में आता. ना तुम स्टेक कर सकते हो डॉज, राइट? तो क्या मतलब इनको उसके ज्यादा यूज केसेस दिख रहे हैं, ये भगवान जाने. इसके अलावा अगर तुम देखो आज का जो ऑल्टकॉइन ऑफ द डे है चेन लिंक, उनके साइड से बहुत बड़ी न्यूज है भैया. वो बोल रहे हैं कि हम लोग इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका वो आ रहा है ना नया एक स्मार्ट कॉन 2022 करके वो लोग लॉन्च कर रहे हैं सेप्टेम्बर में. होपफुली इसमें स्टेकिंग भी आ जाए. ओके और इसीलिए आज तुम देख सकते हो चेन लिंक भी 4% ऊपर है. सो मेरे भाई ये बहुत बहुत जबरदस्त है. ओके और चेन लिंक मैं हमेशा से कहता आया हूँ यार ये सबसे बड़ा ओरेकल है, इसके बिना जो है ये सब चल ही नहीं सकता. मतलब तुम देखो डीफाई नहीं चल सकता है, तुम देखो जितने एप्स को डेटा चाहिए ब्लॉकचेन का वो नहीं चल सकता है, सारे जो प्राइस फीड्स है वो चेन लिंक ही सबको देता है. और कल को जब बाहर जो तुम्हारे ट्रेडिशनल कंपनीज है उनको जब ब्लॉकचेन डेटा चाहिए तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन उनके लिए चेन लिंक ही है. ओके सो फंडामेंटली ये टोकन बहुत बहुत स्ट्रांग है. टेक्निकली अगर तुम देखो तो सब टोकन्स की तरह इसकी भी पिटाई हुई है, लेकिन यार मुझे याद है मैंने 2020 में ये 17 सेंट्स पे खरीदा था. ओके 17 सेंट से $8 पे है तो मुझे नहीं लगता कोई भी बुरी डील है मेरे लिए. बट हाँ उन लोगों ने जिन्होंने टॉप पे बाय किया है टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ भैया बहुत पैसा ये लेके डूबा है, बट ये टोकन कहीं नहीं डूबने वाला. ओके तो फिलहाल अगर तुम देख रहे हो तो जैसे हम लोगों ने 2020 में किया था ये ट्रेंड लाइन थी, उसको टेस्ट किया, ब्रेक किया और मैसिव रैली. ओके वैसे ही हम लोग दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक करेंगे, रीटेस्ट करेंगे और मेरे भाई एक और सॉलिड रैली. ओके और बहुत जबरदस्त है, मतलब ये टोकन देखना तुम, एट द एंड ऑफ द डे इसे ब्रेक करेगा, इस फॉलिंग वेज में वापस आएगा. हम लोग इतनी जल्दी इस वेज को ब्रेक नहीं करेंगे बट होपफुली टॉप को रीटेस्ट करेंगे, वापस $13 को सपोर्ट बनाएंगे और वो सपोर्ट बनने के बाद मेरे भाई ये है तुम्हारा टारगेट. और ये टोकन को तुम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, $212 इजीली अचीवेबल चेन लिंक के लिए. ओके बट हम लोग हमारी गलती नहीं दोहराएंगे, प्रॉफिट्स लेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार सब कुछ क्रैश हो जाता है. तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा और ज्यादा टोकन्स मिलेंगे जब तुम प्रॉफिट्स लेके उन्हें रीबाय करोगे. ओके
और प्रॉफिट्स कहाँ लेने हैं वो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताता रहूंगा, बट अभी टाइम है बाइंग का, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ओके? और अगेन, कल भी हमें एक अच्छा दिन, कल एक्चुअली हमें अच्छा दिन नहीं मिलेगा। मैं वही जैसे कि बोल रहा था कि वेडनेसडे हो सकता है हम लोग एक छोटा सा झटका देखें, लेकिन ट्यूसडे आज का दिन जो है हम लोग अच्छे खासे गेम्स देखने वाले हैं, ओके? तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।